हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल दीप बिहार इंटरमीडिएट कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। पहले था 16 जुलाई तक था और उसी को बढ़ा करके अभी वर्तमान में आपने सुना होगा कि 31 जुलाई तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। इसी के संबंध में आपको घर पर रहना है और सुरक्षित रह करके ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इस रूप में आज आप लोगों को राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत एक पंचायती राज व्यवस्था आती है, उस चीज़ को आज हम पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं, स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, इसी चीज़ को आज हम लोग विशेष विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। स्थानीय शासन व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था कहते किसको है, इस चीज़ को हम समझते हैं। स्थानीय और पंचायती दोनों एक ही लेवल का है, दोनों नाम अलग है मगर काम यही होता है। पंचायती राज व्यवस्था लाने का उद्देश्य क्या था, इस चीज़ को समझेंगे। सर्वप्रथम पंचायत यानी कि आप देखते होंगे आपका गाँव जो होगा, गाँव को विकास करने के लिए यानी गाँव को मजबूत करने के लिए, गांव को विकास करने के लिए यानी गांव कैसे मजबूत होगा, इसके वजह से इसको पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। जिसमें से सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे शिक्षा, शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा जो है उसके बाद आप कृषि पर, जैसे कि हम लोग को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसके बाद आप जल संरक्षण पर ध्यान देंगे। जल संरक्षण, फिर आ जाएगा सड़क निर्माण, सड़क निर्माण, इन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए यानी कि हमारे गांव का विकास कब होगा, यानी कि शिक्षित जब लोग रहेंगे जिस गांव में उस गांव का ज़्यादा विकास होगा। और कृषि पर भी अगर बेहतर से लोग ध्यान देना शुरू करेंगे तो हमारे गांव का, देश का स्थिति बेहतर हो सकता है। जल संरक्षण को, जल संरक्षण का मतलब हुआ कि जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो हम व्यवस्था करेंगे जिससे हमारा गांव प्रभावित होगा, राज्य प्रभावित होगा, देश प्रभावित होगा। और उसी के रूप में सड़क निर्माण, जिस गांव में आपने देखा होगा कि कभी कभी अपने गांव में जाने के लिए सड़क मुहैया नहीं होती है, उस समस्या से लोग जूझने लगते हैं। इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश में एक व्यवस्था लाई गई जिसको हम लोग कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। इसी को रूप में यानी कि आप इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेंगे, लाया क्यों गया था, जिसका मेन उद्देश्य यही था, हर चीज़ को देखते यानी कि गांव को मजबूत बनाने के लिए ही पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था की क्या फंडामेंट है। तो आप लोगों ने समझ गया कि पंचायती राज व्यवस्था को लाने का उद्देश्य क्या था। अब इसी को हम समझते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, यानी कि स्टार्ट होती है 1880 के दशक, 1880 से 1884 के बीच में लॉर्ड रिपन, नाम सुन चुके होंगे, जनगणना आपको पढ़ाए थे, तो उसमें लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1880 से 1884 के बीच में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। इस पॉइंट को डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम के रूप में पूछ लेता है, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट हो गया ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और यह पंचायती राज व्यवस्था को ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले आपसे पूछेगा कि यह पंचायती राज व्यवस्था कब लागू किया गया था या किस राज्य में सबसे पहले राज्य लागू किया गया था, तो उसी में एक डेट याद रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू
किस समय में हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई थी, तो आपको आंसर में देखना है पूरा राजस्थान और नागौर दोनों को याद रखेंगे। और दूसरा नंबर पर जो हुआ था इसी के बाद यानी 11 अक्टूबर 1959 को ही हुआ था, और यह हुआ था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी आंध्र प्रदेश में, और इस वक्त भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे। और यह दोनों टर्म से क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, इस वजह से यह दोनों टर्म को याद रखेंगे। पहला बार जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। दूसरा बार जो हुआ था 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में हुआ था, उस वक्त भी पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद कुछ समितियां बनाई गई, यानी कि यह इस स्तर पर पूरा संभावित जो था वह पूर्ण सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, जिसके वजह से कुछ समितियां का गठन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था में क्या संशोधन किया जाए नहीं किया जाए इन सब के लिए। तो वो समिति का नाम हम देखते हैं, इस प्रकार नाम होगा। तो इसके सिफारिश के लिए प्रथम जो समिति बनाई गई थी वो बलवंत राय, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति प्रथम जो, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव के लिए बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति जिसकी शुरुआत हुई थी 1957 में, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति पंचवर्ष ये पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव के रूप में प्रथम जो समिति बनाई गई थी, जो बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई थी 1957 में। और इन्होंने त्रिस्तर का मतलब वो तीन स्तर के लिए पंचायती राज व्यवस्था को बांटा तीन स्तर पर। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो सुझाव किसने दिया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव। ठीक है, हो गया। यानी त्रिस्तरीय का मतलब तीन लेवल पर स्तर पर जो बनाया गया था पंचायती राज व्यवस्था में, जिसमें तीन लेवल को समझेंगे। सर्वप्रथम जो आता है ग्राम स्तर का, ठीक है, जो गांव हम भी कह सकते हैं, गांव भी कह सकते हैं या ग्राम भी कह सकते हैं, इसको चलिए रख देते हैं गांव स्तर के लिए। यानी कि गाँव स्तर के विकास के लिए जो प्रथम बनाया गया था इसमें गाँव स्तर के लिए, फिर दूसरा नंबर पर आ जाता है जिसको आप खंड कह सकते हैं, खंड या ब्लॉक लेवल पर, इसके स्तर के ब्लॉक लेवल पर, और तीसरा जो हुआ था वो जिला स्तर पर। इसके लिए ये तीन त्रिस्तरीय समिति बनाई गई थी जिला स्तर के लिए, जिला स्तर पर ध्यान में रखेंगे। पहला जो बनाया गया था गांव स्तर पर, दूसरा खंड जिसको ब्लॉक भी कहते हैं, और तीसरा जिला स्तर पर। तो गांव स्तर पर जो बनाया गया था जिसको क्या कहा गया था, ग्राम पंचायत, नाम सुने होंगे ग्राम पंचायत। उसके बाद जो दूसरा बनाया गया था खंड स्तर पर जिसको पंचायत समिति, पंचायत समिति, और तीसरा स्तर पर जिसको बनाया गया था जिला परिषद। अब इस चीज़ को ध्यान देखेंगे कि गांव स्तर पर विकास के लिए आपके गांव में अगर कुछ इस तरह की समस्या आती है तो इसके लिए आप मुख्यमंत्री के पास डायरेक्ट नहीं जाएंगे। इसके लिए बनाया गया था बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय में पहले आता, ग्राम स्तर के लिए आप कहाँ जाएंगे, ग्राम पंचायत में, जिसको आप देख कह सकते हैं कि ग्राम स्तर के लिए प्रधान ग्राम कचहरी के रूप में आप समझ सकते हैं, जिसका ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होते हैं, जरा आप लोग बताएंगे ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं, सरपंच, नाम सुने होंगे सरपंच साहब जो होते हैं, सरपंच जो होते हैं वही होते हैं इसका
प्रधान होते हैं। अभी कोई भी मान लीजिए कोई अपराधी कोई भी कुछ कांड करता है अपने गांव समाज में, तो डायरेक्ट FIR ना करके आप सरपंच के पास भी उसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो इसी के लिए ग्राम स्तर पर जो प्रमुख होंगे वह कौन होंगे? सरपंच होंगे। इसी रूप में खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर जो काम करेगी वह कौन सी करेगी? पंचायत समिति करेगी। और वही जिला स्तर पर कार्य करने के लिए किसको बनाया गया था? जिला परिषद को बनाया गया था। ठीक है, ये बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में से है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, दूसरा भी एक समिति है। चलिए, तो आप लोगों ने बलवंत राय मेहता समिति को समझ लिए, और उसके बाद नेक्स्ट जो सुझाव दिया गया था अशोक मेहता समिति, जो कब दिए थे? 1977 में दिए थे। उन्होंने द्विस्तरीय यानी कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति। त्रिस्तरीय का किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और ये सबसे क्वेश्चन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है, जैसे कि रेलवे हो गया, दरोगा हो गया, SSC, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा से लेकर के बोर्ड की एग्जाम तक, इससे क्वेश्चन जिसमें ये राजनीतिक शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी रूप में द्विस्तरीय में देखेंगे मंडल स्तर पर जो होता है, यहाँ पे ग्राम स्तर से हटा करके मंडल स्तर पर मंडल पंचायत हो जाता है, और जिला स्तर पर उसी प्रकार से जिला परिषद कार्य करती है। और इसके बाद जो अंतिम एक सुझाव दिया गया था उस चीज को हम आगे अब पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का अंतिम जो सुझाव दिए थे, जो PVK राय समिति जो कि 1985 में दिए थे, उन्होंने एक दो नहीं बल्कि चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिन्होंने सुझाव दिया, उन चार स्तरों को हम देखते हैं। सर्वप्रथम जो था, जो ग्राम स्तर का जो था वो तो था ही, ग्राम स्तर के लिए या गाँव स्तर के लिए जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा नंबर पर आ गया इसमें पंचायत स्तर या मंडल स्तर जिसको कह सकते हैं, मंडल स्तर पर इसमें आ जाता है, मंडल स्तर पर। फिर तीसरा आ जाएगा इसमें जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। और चौथा जो हो जाएगा, इससे जिला से आप बड़ा बताएंगे, गांव, मंडल, जिला, प्रखंड, ये सबसे बड़ा क्या होता है? राज्य स्तर पर। तो ये राज्य स्तर के लिए जो बनाया गया था, राज्य स्तर पर। ये टोटल मिला करके चार जो सिफारिश, चार स्तर के इन्होंने कौन दिए थे? PVK राव समिति द्वारा 1985 में चार स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वर्णन किया गया, जिसमें गांव स्तर पर आप पढ़ ही चुके हैं, गांव स्तर पर किसको कहा गया था? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को लाया गया है, ग्राम पंचायत। दूसरा है मंडल में हो जाएगा, मंडल पंचायत। तीसरा नंबर पर है जिला स्तर पर, जिला परिषद, जिला परिषद। उसके बाद राज्य स्तर पर आप जाएंगे तो इसका जो हो जाएगा, राज्य स्तर पर जाने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद इसका कंट्रोल करना शुरू कर देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर कोई सड़क का निर्माण कराना है तो वह ग्रामीण लेवल का जो सड़क होता है, ये सब ये जिला लेवल के होता है, जिला के अंतर में आ जाता है। और बड़े पैमाने पर जैसे NH का निर्माण कराना है तो NH के निर्माण में आप जाएंगे तो राज्य स्तर का जो विकास समिति होगा उस पर यह कार्य किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि त्रिस्तरीय से लेकर त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय और चतुर्थस्तरीय, एक बार रिपीट कर लेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति। कब दिया था? 1957 में। द्विस्तरीय किसने दिया था? अशोक मेहता समिति। कब दिया था? 1977 में। और चौथा जो था PVK राय, वो कब दिए थे? 1985 ईस्वी में। और इसी के साथ कुछ छोटा सा पॉइंट बच गया, उसके साथ आप देखेंगे कि ये पंचायती राज व्यवस्था, ये क्या इसका वर्णन संविधान में किया गया था? नहीं किया गया था संविधान में, या एक प्रकार का वर्णन इसको नहीं किया गया था, जिसको संविधान संशोधन किया गया। और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन, इससे भी क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है? 73वां संविधान संशोधन, संविधान 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1993। आप पूछेंगे ये संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान संशोधन का मतलब हमारे देश की नियम व्यवस्था जो है वह संविधान के ऊपर चलती है, जिसी में 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1993 में किया गया था, जिसमें संविधान में इसके बारे में जिक्र था, उसी में संशोधित करके अनुच्छेद को जोड़ा गया, जो अनुच्छेद था अनुच्छेद 243, यानी कि
73वां संविधान संशोधन करके 73वां संविधान संशोधन आपसे पूछ लेगा कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको बताना है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और कब हुआ था, 1993 में। और इस अनुच्छेद 243, अनुच्छेद का मतलब समझते हैं, आर्टिकल जिसको कहते हैं, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया और संविधान में इसको संवैधानिक रूप से अब दर्जा मिल जाता है। कब, 73वां जब संविधान संशोधन जो होता है 1993 में, और उसके अनुसार अनुच्छेद 243 में इसको जोड़ दिया जाता है, तब से यह संविधानिक, एक प्रकार का संवैधानिक रूप से कार्य करने लगती है। और इसी के रूप में अनुसूची आप लोग जानते होंगे, तो संविधान में 12 कुल 12 अनुसूची है, ठीक है। 12 अनुसूची में से इसका 11वां अनुसूची जो है इसमें पंचायती राज का वर्णन किया गया। टोटल 12 अनुसूची है, उसमें से 11वां नंबर पर जो है, 11वां अनुसूची में ये पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, जिसको आप समझ लीजिए टोटल 12 अनुच्छेद है, अनुसूची है, उसमें से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और इसी के साथ आपका पंचायती राज व्यवस्था का टॉपिक खत्म हुआ। इतना ही आप बेहतर से एक बार रिवीजन कर लेंगे देख करके, कोई भी अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो जिसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में, जिसमें जो भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, त्रुटि है, उसमें आप कमेंट में उसका क्वेश्चन लिख देंगे, उसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।